गुड इवनिंग। सो स्टार्ट टुडे पार्ट एट डायबिटीज मेलिटस एंड यस ट्रीटमेंट बाय एंट्रा सोलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, कॉज ऑफ टाइप वन डायबिटीज, कॉज ऑफ टाइप वन डायबिटीज एंडोक्राइन डिजीज, हेरिडिटी, प्रीडिस्पोजिशन, ऑटोइम्यून डिजीज, वायरस एंड इन्फेक्शन डिजीज और ड्रग्स एंड केमिकल टॉक्सिक्स, अनफेवरेबल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डैमेज और रिमूवल ऑफ द पैंक्रियास, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स। तो यहाँ पर हम मेडिसिन की एंट्री कर देते हैं। एंडोक्राइन डिजीज, हेलो, आवाज क्लियर हो रही? हेलो, एंडोक्राइन डिजीज यहां पर हम इंसर्ट कर लेते हैं। एंडोक्राइन डिजीज जब आएगा तो सीधे हमारा जो केयर होगा, वो जो विजन होगा, हम जो देखेंगे वो सीधे हम C17 पर देखेंगे। वो यहाँ पे सिर्फ एंडोक्राइन पे, कुछ और नहीं देते। एंडोक्राइन के मेडिसिन C17 है। हेरिडिटी और प्रीडिस्पोजिशन, अब आता है नंबर हेरिडिटी प्रीडिस्पोजिशन। हेरिडिटी जब आ गया, वहां पर कहीं पर भी अगर जेनेटिक फैक्टर बन रहा है और हेरिडिटी बन रही है, और हेरिडिटी ही जेनेटिक फैक्टर में आता है, और लिखने का मेथड अलग हो सकता है, कहीं पे हेरिडिटी लिखी जा सकती है, कहीं पर जेनेटिक फैक्टर लिखा जा सकता है। तो वहाँ के लिए हम यूज़ कर लेंगे सीधे वेन, कंफ्यूज ज़रा भी नहीं होंगे और वेन बन आ जाएगा। ऑटोइम्यून डिजीज, ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, जिसमें S17 इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर हम C17 होता है, C17 को हमने एक साइड पर रख दिया है, और हमारे पास ऑटोइम्यून सिस्टम को जनरेट करने के लिए S1 अकेली भी यूज़ की जाती है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, COVID-19, तो उसमें S1 का ज़्यादा रोल था। तो ऑटो इम्यून डिजीज है, तो यहाँ पर हमारा S1 यूज़ होगा। कहीं पर भी अगर ऑटो इम्यून डिजीज इन्वॉल्व हो रही है, तो वहाँ पर S1 यूज़ की जाएगी। गुड इवनिंग जी, कहिए। ओके,
गुड इवनिंग। हेलो जी, हाँ हेलो जी, कहिए। गुड इवनिंग। हेलो क्या भाई। हेलो हेलो आ गए, एक मिनट जैसे चेक करें माइक। हाँ माइक हम चेक कर रहे थे, माइक नया लगाया हुआ था तो शायद इसके वजह से जाए। एक बार फिर हम नए माइक का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आवाज़ में हॉर्निंग आ रही है, इसलिए माइक चेंज किया जैसा बताएंगे जब। जी हेलो हेलो, नो साउंड। हेलो नो साउंड। चलें आ गई आवाज। हेलो हेलो, चलो ठीक है फिर वो नए माइक को हटा देते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही थी हमारे प्रोग्राम की, उसमें हॉमिंग बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कॉलर माइक का यूज़ किया और लगता है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। ऑटो इम्यून सिस्टम जहाँ पे जनरेट होता है उसे हम S1 से मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर हमने S1 पे लिया ऑटो इम्यून सिस्टम पे। ठीक है, वायरस एंड इन्फेक्शन, वो वायरस एंड इन्फेक्शन। वायरस कॉज बनाता है, DNA को इफेक्ट करता है, और इन्फेक्शन हमारे सेल्स और ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। तो वायरस अगर कॉज है तो वेन तो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा ही, और अगर सिर्फ कॉज है इन्फेक्शन का तो यहाँ पर वर्म आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एंट्री करते हैं अगर। हेलो ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं वेन। वेन ऑब्लिक वर, तो ये इन दोनों में से कोई भी हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर वायरस इन्फेक्शन है तो वेन और वन दोनों आएगा साथ में। अगर सिर्फ वायर इन्फेक्शन लिमिट है तो यहाँ पर हम सिर्फ वेन का यूज़, हाँ वर का यूज़ करेंगे। तो दोनों अपने तरीके से मैनेज करेंगे, और आई होप कि आप समझ सकते हैं कि मैनेज किस तरीके से किया जाता है। याद है या एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हेलो देखिए, जैसे कि हम किसी भी डिजीज़ की मेडिसिन लिख रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी कंजेशन है इस वक्त किसी को, और हमें देना है COVID-19 का ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइंड में अपने प्रिस्क्रिप्शन पे या अपने माइंड में नोट करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले फेल हो रहा ऑटो इम्यून सिस्टम। आप क्या आप नोट करते चलें ऑटो इम्यून, आप खुद से ट्रीटमेंट के, अगर यहाँ पर ऑटो इम्यून सिस्टम फेल हो रहा है तो आप किस मेडिसिन को सबसे पहले प्रेफर करेंगे, आप उसे लिखें। ओके प्लस कर दें। अब ऑर्गन की मेडिसिन आप चूज करेंगे वहाँ पर। रेस्पिरेटरी सेक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है तो आप कौन से पी ग्रुप की। ठीक है, अब ये ट्रेकिया से होता हुआ जा रहा है, ऑसोफेगस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई मेडिसिन आएगी आएगी जो टिश्यूज रेमेडी होगी, इसमें टिश्यूज रेमेडी C13। नहीं, C13 सही बोला है, और C5 जब हम यूज करेंगे जब कॉम्प्लिकेशंस पायरेटिक हो जाती है, पस फॉर्मेशन में आ जाए। ओके पस पस फॉर्मेशन में C5 यूज करेंगे, C13।
हाँ, तो अगर जनरली अगर मुझे चलना है तो C1 करेंगे। अगर हम अगर स्पेशली सिर्फ थ्रोट्स को लेते हैं वहाँ C13 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लंग्स के सेल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि पी ग्रुप की हमने सेलेक्ट कर लिया, और ब्लडर टाइप टिश्यूज के लिए जो यूज़ की जाती है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, वहाँ पे S2 आता है। तो यहाँ कौन सा आएगा? C2 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर पस फॉर्म हो गया है लंग्स के अंदर तो क्या यूज़ करें? अगर पस फॉर्म S2 ही C2 ही रहेगी यहाँ पे पी ग्रुप के साथ। अब चाहे P1 दें, P2 दें, P3 दें, नहीं वो तो जी है, लेकिन अभी टिश्यूज रेमेडी में हमें क्या लेना है? नहीं जी तो है, लेकिन टिश पी पी तो पी पी हाँ, यहाँ पे C5 आ सकता है। तो या तो हम C1 दे सकते हैं, या C13 दे सकते हैं, या C2 दे सकते हैं, या C5 दे सकते हैं, अकॉर्डिंग कंडीशन यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, टिश्यूज रेमेडी हम चेंज कर लेंगे। वहाँ पे ऑर्गन की मेडिसिन पी ग्रुप हो गई। अब यहाँ पर इफेक्ट कैसे आ रहा है? क्योंकि सर्कुलेशन बैरियर हो रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से, कलेक्शन ऑफ फ्लूड हो रहा है, और इसमें लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो L1 एक्ट हो जाएगा। ओके गुड। अब इसके अंदर हाँ, अब दूसरा ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशेंसी हो रही है, यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई बैरियर हो रही है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है, तो यहाँ A3 गुड A3। अब इसके बाद ये तो हो गया। अब हाँ A3 ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि कॉज क्या है। सबसे पहले कॉज जो इनिशियल स्टेज जो बन रही है वो अगर वायरस है तो हम क्या करेंगे? इनिशियल स्टेज है, नहीं, वार नहीं आएगा। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, वेन आएगा। वायरस कॉज है, जो DNA को इफेक्ट कर रहा है, जो हमारे जीन्स को इफेक्ट कर रहा है, वेन 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 वेन। क्लियर हुआ कि नहीं? वेन वेन क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, सेल्स के DNA को डैमेज कर रहा है, और DNA पे जो डिजीज डेवलप होती है वो क्रोमोसोमल इफेक्ट करती है। और ये कोरोना वायरस तो हेरिडिटी नहीं ट्रांसफर करेगा, लेकिन हमारे DNA को इफेक्ट कर रहा है, जीन्स को इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम वेन को लेंगे, वायरस नहीं है। अब इन्फेक्शन है, अब तो ठीक है, हमने वायरस के लिए DNA को अरेंज करने के लिए हमने वेन को ले लिया। अब मुझे इन्फेक्शन कंट्रोल करना, बैक्टीरिया कंट्रोल करना, क्योंकि जहाँ पे अगर न्यूक्लियस डिस्टर्ब हुआ है और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो वहाँ पे वायरस एक अटैक जरूर होगा, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ। तो वायरस के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे? वार वन वेन तो हो गया वायरस के लिए, ये इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जहाँ ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, F1 नहीं आएगा अभी। तो बैक्टीरिया ग्रो करने पे हम वर्क को लेंगे, वर वन को लेंगे, वर वन। बैक्टीरिया जहाँ ग्रो होगा वह डब्ल्यू ई नहीं लेंगे अभी, अभी डब्ल्यू ई का रोल ही नहीं आ रहा है अभी, सिर्फ यहाँ पे इन्फेक्शन का रोल आ रहा है। इन्फेक्शन कहीं पे आ जाए, कहीं पे अगर वायरस कॉज बनता है, किसी भी जगह पे अगर बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है तो हम वहाँ पर पैरासाइट्स डेवलप हो रहे हैं तो हम वर का यूज करेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब आगे हम आते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो हमारा टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। टेम्परेचर रेगुलेटरी जो मेडिसिन है वो कौन सी है यहाँ पे होगी जो हम सेलेक्ट करेंगे? नहीं, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं हम F1 से। जी हाँ जी, F1। तो ये आप प्लस प्लस बताएं, अभी तक क्या हुआ, कितनी मेडिसिन लिखा, कैसा फार्मूला बना आपका? ये फार्मूला सेट करने का तरीका आपको मेथड बता रहे हैं कि आप किसी भी डिजीज को किस मेथड से फार्मूला सेट करेंगे, चाहे आप पैटर्न बना लें, चाहे टैबलेट बना लें, चाहे 7 हो गए। अच्छा, एक साथ मेडिसिन बोलते जाए, कोई एक बोल लें शुरू से, जो मेडिसिन नोट करवाई हमने कोविड को ही लेके हमने नोट कराई है।
एफ वन। अब इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग कंडीशन, अगर पस फॉर्मेशन है तो पस फॉर्मेशन के लिए हम जी यूज करेंगे, ठीक है। अगर वहां पे इंफ्लामेशन है, बी ब्लड ब्लड सीक्रेट कर रहा, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो बी आ जाएगा। इंफ्लामेशन है तो बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आता है हार्डनेस, लिम्फ नोड हार्ड हो गए हैं, कंजेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ना ही पस फॉर्मेशन है, ना ही वहां पर इस टाइप का इंफ्लामेशन है जिसे मतलब ब्लीडिंग हो सके, कंजेशन है, कंजेक्ट है, तब आर ई यूज करेंगे। अब यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्वेलिंग बहुत ही सिंपली स्वेलिंग है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा हमें क्या करना है यहां पर, तो डब्ल्यू यूज करें। अब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, ठीक है, हाँ डब्ल्यू हो गया। अब अगर कॉम्प्लिकेशन से सिर्फ इंफेक्शन ही हमारे पास है, इंफेक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज करेंगे, बस गुड। तो इस तरीके से हम यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं, समझ में आया, सिलेक्शन हम इलेक्ट्रिसिटी का किस तरीके से करेंगे मेडिसिन पे, क्लियर हुआ। ये कैसा रहा, ये फॉर्मूला डेवलप करने का तरीका कैसा रहा? इस तरीके से आप किसी भी डिजीज का फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये खुद इंडिपेंडेंट आप बनाएंगे और दूसरों को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रोक दिया था इसको, और यहाँ पे हम इस चीज को क्लियर कर जी। देखिए आज का जो, हाँ तो यहाँ पे एक चीज और देख लें आप, हमारे बॉडी में जो हमारी थ्योरी पुरानी दी गई है, पुरानी थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है अलग अलग वर्क करते हैं, मतलब कोई एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो स्टडी की, अपनी पर्सनल स्टडी कह रहे हैं, जो अभी तक हमने स्टडीज की इस सब्जेक्ट को लेकर के सिस्टम को, तो हमने हर सेल्स का अपना खुद का एक सिस्टम पाया, जो खुद को ग्रो करने के लिए अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस बनाता है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करता है, अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका, अपना उसका नर्वस सिस्टम होता है, अपना उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अगर सेल का हमारे क्वेश्चन यहीं पे था, जो हमारे माइंड में क्लिक की चीज, कि अगर कैंसर सेल ग्रो कर रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर जब हमने तलाश किया इसका, तो मिला कि म्यूटेशंस ऑफ सेल्स, सेल्स का डेवलपमेंट खुद बखुद हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हट चुका है और सेल खुद बखुद अपना क्रिएशन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे सवाल का जवाब हुआ, और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, जो सेल्स को एक बैलेंस करने के बाद, उसे यूटिलाइज करने के बाद खत्म कर देना चाहिए, वो सिस्टम फेल हो गया है। तो यहाँ पर हमने एक सेल के अंदर पाया डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेल को बता रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर शायद कोई सिस्टम बार बार हो गया हो, तो आप पांचों सिस्टम एक साथ रखें और एक सेल्स को अपने सामने रखें, वो सारे सिस्टम उस सेल के अंदर इंप्रूव होते हैं। और यही चीज़ आप सेल्स के जब करते हैं, तो सेल मल्टी सेल्स बन करके एक टिश्यूज फॉर्म में आता है, एक टिश्यूज जो बन करके मल्टीपल टिश्यूज बन करके फाइबर बनाते हैं, मल्टीपल फाइबर मिल करके हमारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करते हैं। हमारा ऑर्गन जब डेवलप्स होता है, तो वो मल्टीपल ऑर्गन्स जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उनका खुद का मल्टीपल सिस्टम होता है, और वो मल्टीपल सिस्टम मिलकर के हमारी बॉडी के जो एक ऑर्गेनाइज एक बॉडी बनाते हैं, उस पे जो वर्क होता है, ये पूरे ऑल जो सिस्टम है एक्सटर्नली जो वर्क कर रहे हैं अपने अपने, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये दोनों को कोऑपरेट करते हैं, दोनों के सिस्टम को के साथ काम करते हैं। मतलब जैसे आर्गन का है, तो आर्गन का ही सारा सिस्टम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
इंटरनल तो अपना काम कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल में जब आ रहा है तो वो हमारी बॉडी से ट्रेन करने के लिए हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। तो डिजीज जब डेवलप होती है हमारे सेल्स के अंदर, सबसे पहले जो टेम्परेचर इरेगुलर होता है बॉडी का, ये एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, और यही चीज जब क्लाइमेट्स की वजह से डेवलप करती है हमारी बॉडी के अंदर, फिर हमारे सेल्स के अंदर जो टेम्परेचर एबनॉर्मल होने की वजह से या उनके अंदर टॉक्सिकेशन जाने की वजह से सेल्स का खुद बैलेंस खत्म हो जाता है। तो हम इसी चीज को रीजेनरेट करते हैं, इसीलिए किसी भी इनक्योरेबल डिजीज को हम क्योर कर पाते हैं। क्लियर? तो हमें हमारे मेडिसिन को लेकर के हम जब तक हर सिस्टम को केयर नहीं करेंगे एक डिजीज के अंदर कि इनमें कितने सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस तब तक हमें इससे कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। और यही लापरवाही हमारे सारे प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं, बुक्स के स्टडी कर रहे हैं जो भी मिले, और अपना खुद का जो है क्रिएशन माइंड से कर रहे हैं, जबकि साइंटिफिकली होना चाहिए था, उसको रिसर्च बेस पे उसको देखना चाहिए था, फिर जाकर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। अभी एक हमारे पास फार्मूला है, सिंपल फार्मूला कुछ करके आ रहा है, सिंपल फार्मूला हमने नेट पर तलाशा, अपनी बुक के अंदर तलाशा, लेकिन सिंपल फार्मूला हमारे पास समझ में नहीं आया क्या है। और बाकी स्पेसिफिकेशंस तो सब चीज़ क्लियर मिल गई, यहाँ तक कि 1:47 का जो फार्मूला था, 1:9 का जो फार्मूला है ये क्यों यूज़ किया जाता है ये भी मिल चुका है हमें, कि किस पर्पज़ में हमें 1:9 यूज़ करते हैं, 1:47 का भी यूज़ करते हैं। वो है, वो प्रोग्राम तैयार है, किसी वक्त संडे को लेंगे, क्योंकि संडे में क्या होगा, ये तो हमारा रूटीन डिजीज करते चल रहा है, और रूटीन को ब्रेक करने के बजाय हम किसी संडे को, सैटरडे या संडे को ले लेंगे उसका, जिसके वजह से और लोगों को भी क्लियर हो जाए इस चीज़ के बारे में जी। अगर आप चाहेंगे तो और लोगों को ना पता चले तो हम इसी क्लास के अंदर उस चीज़ को ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें तो डेवलप करना है पैची को। नहीं देखिए, ब्रेन नहीं कहेंगे, सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सेल हमें जी नहीं, नहीं C17 यहां नहीं आएगी, C17 एंडोक्राइन डिजीज है, जो अब देखिए जो बॉडी के सिस्टम फेल हो रहे हैं ना, कहीं पे हार्मोनल एबनॉर्मल है, हाँ एंडोक्राइन जो भी डिजीज एंडोक्राइन रिलेटेड है, वहां पे मुझे C17 देना ही देना होगा, अगर नहीं देंगे तो रिजल्ट ही नहीं आने वाला। C17 हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स की मेथड से के कोऑपरेशन से काम करेगी। इस पे भी हमारा प्रोग्राम तैयार है, और थोड़ा फिनिशिंग बाकी रह गई जिसमें सेटिंग वगैरह, तो हम उसे जब एक्सप्लेन करें तब समझ में आएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करती है दोनों मिलकर के। ठीक है, हाँ, अब जैसे कि किडनी की है, एड्रेनल है, ये भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है वहां पे हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, या जैसे पैंक्रियाज हमारा है, जैसे इंसुलिन में चल रहा है, पैंक्रियाज से हमें प्रोड्यूस कराना है इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस हो गया है या ब्रेक हो गया है, तो उससे प्रोड्यूस करने के लिए मुझे C17 उस आर्गन की मेडिसिन के साथ ऐड करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, जैसे कि C17 के साथ S5। ठीक है, अब अगर लीवर जैसे किडनी के एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, और इन केस वो नहीं एब्सेंट है बॉडी के अंदर, तो हमें C17 के साथ उस मेडिसिन को ऐड करना होगा, फिजियोलॉजिकल जो मेडिसिन है S6 उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके वो फंक्शंस मैटर होंगे। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि यूट्रस या टेस्टिकल से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो अगर उसका रिजल्ट हमारा S1 और C1 से नहीं आ रहा है, तो S1 के साथ हमें C17 देना पड़ेगा, और C1 अलग से देना पड़ेगा, जो फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आपका कोई क्वेश्चन था यहां पे?
अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, ड्रग्स एंड केमिकल टॉक्सिन्स, ओके यहाँ पे लिखा है ड्रग्स एंड केमिकल टॉक्सिन पे। तो यहाँ पर हमारा ये जो फार्मूला दिया है, ये हमने ऑर्गन्स के फंक्शंस को माइंड में रखते हुए रखा है, अपने ब्रेन के अंदर इस चीज को हमने रखा है कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ पर ये है S1 को हमने क्यों लिया, क्योंकि आपने सभी बुक्स के अंदर स्टडी की होगी कि S1 अगर कोई भी पॉइजनस केस हो तो हम S1 को देते हैं तो उससे पॉइजन डिस्ट्रॉय होता है, या फिर कोई भी इंसेक्ट किसी चीज़ ने बाइट किया है तो वहाँ पर भी हम S1 का यूज़ करते हैं। तो एक हाँ स्ट्रॉन्ग रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ड्रग्स इफेक्ट, अगर ड्रग्स इफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, उसको रिमूव करने के लिए S1 यूज करेंगे। देखिए टाइप 1 डायबिटीज में क्या है, यहाँ पे ड्रग्स इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा है C17, तो C17 एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन मेंटेन हो जाता है। यहाँ पर हेरिडिटी टाइप 1 डायबिटीज में होता है, तो यहाँ वेन को हम मिसरेक्ट करते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम, यहाँ पे S1 को यूज करते हैं। यहाँ पर वे वायरस एंड इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर हम वर का यूज करते हैं, थोड़ा इसको और बड़ा इनकार्स कर देते हैं क्योंकि और फिर मोबाइल स्क्रीन तो और शो होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहां पर वेन और वन हो गया। अब यहां पे आता है ड्रग्स एंड केमिकल टॉक्सिन्स। अब अगर ड्रग्स की वजह से कोई हमारे बॉडी के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उससे रिमूव करने के लिए हमारे पास पेशेंट आता है तो S1 हम देते हैं। S1 स्ट्रॉन्ग डोज में देना होगा। अगर पेशेंट बहुत पुअर है, पुअर की मीन्स उसकी इम्यूनिटी सिस्टम या फिर उसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज की, उसे भी पुअर कहेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी ज़रा सी भी मेडिसिन का डोज ज़्यादा कर देंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशन उसका एग्रवेशन सफाइस कर जाएगा। तो यहाँ पर हम S1 को पॉजिटिव में देंगे, स्ट्रॉन्ग डोज में देंगे, और अगर पॉइजनस केस आता है तो हम 1 ग्राम तक डायरेक्ट हम उसके डोज दे देंगे, सिंगल डोज भी दे सकते हैं 1 ग्राम तक। और इससे क्या होगा, या तो वॉमिट शुरू हो जाएगी, या सिक्स फिफ्थ नहीं नहीं 30 ml नहीं, 1 ड्रॉप 5 ml होते हैं, 5 ml को 1 ड्रॉप कहते हैं। क्लियर हुआ, 5 ml का एक ड्रॉप होता है। हमने पॉइजनस की कंडीशन पे कहा कि यहाँ तक कि हम 1 ड्रॉम भी यूज कर सकते हैं, वरना फिर ड्रॉम में मीन्स ग्लोबल्स भी हम यूज कर सकते हैं, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। हम 5 से शुरू करते हैं और 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, और 100 ड्रॉप्स और 100 ग्लोबल्स में भी दे सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप 100 ड्रॉप्स देने जाते हैं तो 20 × 5 इज इक्वल टू 100 ड्रॉप्स हो गए। तो 20 अगर आप ml 20 को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फार्मूला देखा था वो 12 का था, पुराना फार्मूला जो है उसमें 60 ड्रॉप्स को जो है 1 ड्रॉप में कन्वर्ट किया जा रहा था, लेकिन जब 20 का अगर होता है तो 20 × 5 करते हैं तो यहाँ पर होता है इक्वल टू 100, तो 100 ड्रॉप्स या 100 ग्लोबुल्स हम यूज कर सकते हैं। और आप अगर एन एल सिन्हा की बुक्स में देखेंगे तो कई बार 100 ग्लोबुल्स भी पॉइजन केस में उन्होंने देने के लिए रिकमेंड किया है। क्लियर हो गया। अब आते हैं S5 पे। S5 कहाँ पे यूज की जाएगी, बाकी को हमने छोड़ दिया है। यहाँ S5 कहाँ पे, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मेटाबॉलिक प्रोसेस की मेडिसिन, ये तीनों हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस की मेडिसिन है। तो सारी इस प्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस की है, लेकिन स्पेसिफिक टैक्सिन्स को खत्म रिमूव करने के लिए, केमिकल को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए
S1, S5, S6 ही यूज की जाती है। अब जैसे कि ये S1 का क्या हुआ, उसने आपने मैसिव डोज में दिया, वॉमिट हुई, और वॉमिट से जो अभी इनिशियल खाया गया है इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुई है जो पॉइजन, वो फौरन जो है वॉमिट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ परसेंट उसका डाइजेस्ट हो गया है, इंटेस्टाइन में पास हो गया है, लीवर उसे मैनेज करके रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर लूज मोशन होगा, लूज मोशन से ये पॉइजन बॉडी से रिमूव हो जाएगा। थर्ड नंबर पे ऑप्शन जब आता है, अगर ये पॉइजन ब्लड के अंदर चला गया है, सेल तक पहुंच गया है, तो दो कंडीशन एडॉप्ट करेगा। एक तो ये सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ये प्रिस्पायरेशन डेवलप होगा, उससे पसीना निकल के ये पॉइजन बाहर हो जाएगा। आप जब भी S1 का यूज करेंगे नए पेशेंट्स पे, तो ये जरूर कॉम्प्लिकेशंस करता है। अगर उसने एलोपैथिक ज्यादा मेडिसिन ली है तो आगे करता है, सर हमें पसीना बहुत ज्यादा हुआ, दो दिन हुआ या एक दिन हुआ या जब हमने दिया उसी वक्त हुआ, उसके बाद फिर सही हो गया, ठीक हो गया, नहीं होता तो या फिर ये कह सकता है, या तो ये कहेगा जैसे हमने मेडिसिन ली वॉमिट हो गया। तीसरे नंबर पे ये कहता है कि जैसे हमने मेडिसिन शुरू की लूज मोशन शुरू स्टार्ट हो गया, लेकिन अपने आप ही कंट्रोल हो गया, तो ये बॉडी से टैक्सिन्स को खत्म कर रिमूव करने का काम हो रहा है। दूसरा क्या हुआ कि यूरिन बहुत ज़्यादा पास होने लगा मेडिसिन लेने के बाद, और यूरिन पास होने के साथ साथ वाटर कंजम्पशन भी उसके बॉडी के अंदर बढ़ गया, जैसे कि वाटर ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हमारा सेल टैक्सिन्स स्टॉक था, अब हमारी बॉडी एक्टिव हो गई है और टॉक्सिक एलिमेंट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें किसी भी चीज़ को सफाई करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। बॉडी को भी फ्रेश रखने के लिए, सेल्स को बात करने के लिए यहाँ पर भी वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत। वाटर थेरेपी आपने कई बार स्टडी किया होगा, व्हाट्सएप पे भी आया है, यूट्यूब पे भी है, कई जगह पे वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी का काम ही यही है कि जब हम वाटर के लेवल्स को अपने बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं, तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं वो यूरिनरी सिस्टम और प्रिस्पायरेशन के जरिए बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक तो पानी का लेवल्स बॉडी के अंदर मेंटेन हो रहा है, डिहाइड्रेशन दूर हो रहा है, डिहाइड्रेशन और केमिकल जो कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है S1, इसे वाटर लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। वाटर लेवल मेंटेन होते हुए केमिकल जो इफेक्टिव है, जैसे कि हमने रेड कलर लिया है किसी ग्लास के अंदर, हमने उसको एक बकेट के अंदर डाल दिया जिसमें कम से कम 10 लीटर वाटर है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसका कलर कैसा दिखेगा। ऐसे जब हमारे बॉडी के अंदर जब वाटर लेवल्स सफिशियंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो केमिकल हमारे बॉडी में सेल्स को, ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, या फिर जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज है, तो यहाँ पर भी वो मैनेज हो जाता है और कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे भी बैलेंस हो जाता है। आपने किसी मेडिसिन का लिया हुआ, उसका पॉइजन आपके बॉडी के अंदर है, आपको किसी ने पॉइजन दे दिया है, वो भी पॉइजन है छिपे तौर से, अगर ये S1 आपके बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है, तो जैसे ही बॉडी के अंदर पॉइजन पहुंचता है, वैसे बॉडी एक्टिव मूड में आ जाती है, वॉमिट शुरू हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी को पूरा सेफ कर लेते हैं, और 2-4 वॉमिट के बाद बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है, फिर उसके बाद प्यास का बढ़ जाता है, और S1 लेने से प्यास लगना शुरू हो जाती है, ज़्यादा थ्रस्ट महसूस करता है। रीज़न क्या है कि उसके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉडी खुद से इसे क्लीन करने के लिए वाटर का डिमांड कर रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे S5, आप जैसे S5 देते हैं, किसी ने अल्कोहल ले रखा, यहाँ पे देखिए ड्रग्स के इफेक्ट को भी खत्म करता है S1, और अल्कोहल की जो आदत है हैबिचुअल। अभी एक पेशेंट था हमारा जिसे हमने वॉमिट हो रही थी, उसको कुछ लूज मोशन की भी शिकायत थी, और अभी इनिशियल हमने शुरू किया है S1 देना, क्योंकि हॉस्पिटल से आया है, तो हमने कहा था कि ये बार बार इनकी तबीयत गड़बड़ होती है, आप लोग बीच में मेडिसिन ये इलेक्ट्रो की बंद कर देते हैं, इसे कंटिन्यू रखें अगर इनको आप नहीं चाहते कि दोबारा बीमार पड़े। तो ऐसी कंडीशन में उनको हमने S1 दिया है, तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो उनकी आदत थी कि वो जो चीज़ें मांगती थी जो उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली थी, अभी जहन में नहीं आ रही, बहुत सी चीज़ें सुबह बताया पेशेंट के घर वालों ने कि ये चीज़ें उन्होंने लेना बंद कर दिया है,
एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि इंसान जो गलत चीजें बॉडी के अंदर लेता है, चीजें खाता पीता है, वो S1 लेने से उसकी आदत हैबिट बदल जाती है। जैसे अल्कोहल का यूज है, या कोई ड्रग्स लेता है, कोई मेंडेक्स लेता है, इस टाइप की चीजें उसकी आदत खत्म हो जाती है, ये हैबिट को खत्म करता है। और जैसे कि किसी को चाय पीने की है, किसी को तंबाकू है, किसी को सिगरेट की है, तो यहाँ पे ये चीज रिमूव कर दे और उसके इफेक्ट को भी बॉडी से रिमूव करता है। S5 एल्कोहल का जो इफेक्ट लीवर के अंदर हुआ, सिर्फ लीवर के अंदर, लीवर पे ही पूरा काम करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे कि आपके फार्मेसी में हमने एक वीडियो दिखाया था शुरू में, तो उस कंडीशन में क्या था कि S5 वहां पर लीवर इफेक्ट हो रहा है, और लीवर का काम है मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करना, जो भी चीजें बॉडी के अंदर एक्सेस कलेक्ट हो रही है, जा रही है, उससे मेटाबोलाइज करके इंटेस्टाइन के अंदर भेज देना और उसे फीकस से बाहर कर देना, फीकस से बाहर कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है, इम्बैलेंस अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और LDL ज्यादा, तो उसे मेटाबोलाइज करके भी उसे इंटेस्टाइन के अंदर डाल देता है। तो S5 मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करके लीवर से जो रिलेटेड चीजें हैं, टॉक्सिंस हैं, वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे लीवर को ये फिल्टर करता है, लीवर को साफ रखता है। S6 होल बॉडी जो टॉक्सिंस हमारी बॉडी के अंदर है, एक्सक्रीटी सिस्टम के जरिए, रीनल इफेक्ट के जरिए, और ये पूरी तरह से क्लीन कर देता है। तो ये तीनों हमारी बॉडी को टोटल क्लीन करते हैं। अब रिस्पायरेटरी के अंदर कुछ हैं चीजें, तो वो आते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिस्पायरेटरी का कोई चैप्टर है नहीं, तो हम ये रिस्पायरेटरी का नहीं ले रहे हैं। वो चीजें हमारी पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन मेटाबोलाइज करती है, पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन वहां पे वर्क करती है, और उसके अंदर कोई भी है। हाँ, S1 फिर भी यहाँ पर वर्क करता है, अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पहुंची हैं, गैसियस सिस्टम में पहुंची हैं, तो उससे कफ ज्यादा बनने लगेगा और कफ प्रोड्यूस होकर के वो लंग्स को भी क्लीन करते हैं। S1 हमारी बॉडी को फुल्ली क्लीन करने का काम करती है। ओके, एनी क्वेश्चंस? तो यहां पर जो टाइप 1 डायबिटीज है, ड्रग्स एंड केमिकल टैक्सेस, तो ये बॉडी को रिमूव करता है। तो आपके फार्मूले में एक जगह पे ये भी आता है, और अगर नहीं कहीं पे आ रहा तो S1 आप लोग आके ले देते हैं। S5 C17 आ जाता है, वेन आ जाता है, और यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो वो आता है। अगर इन्फेक्शन है तो आप चूज कैसे करेंगे, यहाँ से मेडिसिन हमें चूज करके बताएं कैसे चूज करेंगे। आप डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे किस तरीके से मेडिसिन चूज करेंगे जो यहाँ पे सामने स्क्रीन पर है, कैसे देंगे S1? ठीक है, अब हमें डायबिटीज पेशेंट है जिसे टाइप 1 है, अब उसमें हमें मेडिसिन सेलेक्ट करना है, तो अब हमें क्या करें, कैसे करेंगे? जी हाँ, इन्फेक्शन वो नहीं कहेगा, हम इन्फेक्शन वो नहीं कहेगा, इन्फेक्शन हम टेस्ट कराएंगे तो इन्फेक्शन वहां पे आएगा। और या फिर ये हाँ, अगर हिस्ट्री मिलती है कि इसे कभी इन्फेक्शन हुआ था, हाँ कभी ऐसा हुआ है, तो उसके कॉज यहाँ पे हो सकते, तो हम फिर आगे बोलिए। अच्छा, यहाँ पर हाँ जी, F1 यहाँ पे नहीं आया क्योंकि नर्वस सिस्टम को अभी यहाँ पे नहीं लिया। हाँ, यहाँ पे अगर हमें वर्क लेना है तो एक जगह पे वर्क कर दें, एक जगह पे वेन कर दें। अगर S5 के साथ आपने वेन कर दिया है तो S1 के साथ वर्क कर दें, ठीक है? हाँ, कर सकते हैं, S1 के साथ वर्क कर दें और S5 और C17 के साथ वेन कर दें। और कभी भी अगर इन्फेक्शन की मेडिसिन बनानी हो तो S1 वर1 और प्लस वाई कर सकते हैं एक साथ, नोट कर लें चाहे तो, S1 वर1 और वाई, ये इन्फेक्शन की ऑटो इम्यून सिस्टम की मेडिसिन हो जाएगी। जा, अगर फीवर कॉज है तो फीवर की ऐड कर सकते हैं इसके अंदर,
ये फार्मूला ये जो अभी लैब में है आप कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा जो है सेल्स पे जो स्टडी है उससे फार्मूला बना। हम चाहते हैं कि अब इसी तरीके से आप भी फार्मूला बनाओ, और अच्छा है आप लोग बना ले रहे हो फार्मूला। थोड़ा एक स्लाइड पे हमारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एक स्लाइड पे हमारा वक्त इतना ज़्यादा जा रहा है, पहले एक्सप्लेन हो जाता था सिर्फ, अभी वक्त ज़्यादा लग रहा है। अब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अब यहाँ पर हमारा आता है इनफेवरेबल एनवायरमेंट फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, इन्वायरमेंट किससे मेंटेन करेंगे हम यहाँ पे, कुछ आइडिया है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है वो तो बाद में करेंगे, अभी हमारे पास सिस्टम की मेडिसिन कौन सी है वो बता दें। चलो हम लिख देते हैं F1, बॉडी के थर्मल पावर टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, ये एक्सटर्नल जो यहाँ पे अनफेवरेबल एनवायरमेंटल। अब चाहे हमारे रूम का एनवायरमेंट क्या हो, हमारे एटमॉस्फेयर का एनवायरमेंट क्या हो, एनवायरमेंट में हमारे सीजन जो वेदर चेंज होते हैं उसमें वातावरण, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग जो नर्वस सिस्टम है F1 हमारा, ये अकॉर्डिंग जैसे देखिए आप मौसम चेंज होता है ना, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी या बारिश आती है, जैसे हमारे रूम का भी टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और हम AC से निकल के सीधे धूप में जाएंगे, अगर बाहर जाते हैं धूप में तो स्टॉक होने के डर भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि स्नीजिंग शुरू हो जाती है या फिर कफिंग शुरू हो जाती है। तो ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए F1 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ पे हो रहा है? नहीं। अब आपकी जो किसी भी पेशेंट में, किसी भी कंडीशन में आपके पास पेशेंट आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन्वायरमेंट को चेक करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को लेंगे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को चेक करेंगे, उस अकॉर्डिंग जैसे कि अभी आपके पास स्नीजिंग का केस आ रहा है तो जाहिर सी बात है दो टेम्परेचर उसको मिले हैं इसलिए हो रहा है। एक फर्स्ट तो एलर्जी हो रहा है, तो एलर्जी के अंदर क्या करेंगे आप, एलर्जी की मेडिसिन यहाँ पर हम ऑटो इम्यून सिस्टम की मेडिसिन होगी जिसमें हम S1 यूज कर लेंगे, ओके? अब यहाँ पर कॉज बन रहा है उसे पूछना होगा कि ये हुआ कैसे, वो कहेगा नहीं मालूम है, और डस्ट उड़ी उसके वजह से हो गया, तो डस्ट के लिए तो एलर्जी हो गई, चलो ठीक है हमने एलर्जी की मेडिसिन यहाँ पे चूज कर ली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसने कुछ ठंडा खा लिया, ठंडा पी लिया, या नहा करके सीधे, अभी हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और नहाने के बाद, कल एक पेशेंट था शाम में जिसे इमरजेंसी में मुझे ट्रीट करना पड़ा, और उसके अंदर क्या हुआ कि वो कहीं गया हुआ था, गन्ने का रस पी लिया, जैसे शुगर केन ले ली जो जूस होता है उसे पी लिया, उसके बाद वो घर पर आने के बाद शाम के वक्त नहा लिया, और नहाने के बाद पंखा खोल के सो गया, फैन खोल के सो गया। अब इस कंडीशन में सुबह उसे थ्रोट कंजेशन हो गया और कफिंग भी शुरू हो गई जिसे टॉन्सिलाइटिस का इफेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक तो एलर्जी हुई, दूसरा थर्मल पावर उसका डिस्टर्ब हुआ, बॉडी इंटरनल उसने नहाया, नहाने के बाद वो बॉडी ठंडी हुई, और ठंडी गर्मी थी, गर्मी से सडनली आकर के उसने गर्म एटमॉस्फेयर से आकर के सीधे उसने पहले बाथ लिया, बाथ लेने के बाद वो एक तो ठंडी उसकी बॉडी हुई, वेदर चेंज हो रहा है, इस कंडीशन में वो फैन खोल करके सो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग हीट वो बहुत ज़्यादा डाउन होता चला गया, और टेम्परेचर बाहर से उसे बहुत ज़्यादा मिल रहा था इसलिए उसने बॉथ किया। अब उसे एट ए टाइम हमारी बॉडी का जो थर्मल पावर था इस चीज को इतनी तेजी के साथ इम्प्रूव नहीं कर सका, मेंटेन नहीं कर सका, तब उसे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन राइज हुई, और जहां पर उसकी वीक ऑर्गन्स थे, वीक पार्ट थे,
वहां पे इफेक्ट कर गया, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्यों हुआ? क्योंकि उसने पहले नंबर पे शुगर केन लिया, जूस पिया, उसके बाद आने के बाद पूरी बॉडी को उसने बॉथ ली, बॉथ लेने के बाद उसके बाल गीले रहे, उसमें फैन में बैठा, फैन में टेम्परेचर उसकी बॉडी का और गया, बाल गीले होने की वजह से वो टेम्परेचर और डाउन हुआ नर्वस सिस्टम का, और इंटरनल जो सेल्स थे उस वक्त अपने आप की का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो इसलिए अच्छा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फैक्टर क्या होना कि वो जो ब्रीथिंग की जो उसने सांस ली इंटरनल, वो एक हीट गर्मी है, गर्म की कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में वो एक गर्म जो एयर उसके बॉडी के अंदर पास किया, तो यहाँ ये सब सारी चीजें जाने की वजह से उसको टेम्परेचर इरेगुलर हुआ और वहां पर इन्वायरमेंट उसकी बॉडी का बिल्कुल चेंज हो गया, और जिसका कॉज ये हुआ इसको थ्रोट एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो गया। ओके, क्लियर हो गया? तो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेडिसिन सेलेक्ट करने में, ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। डैमेज आर रिमूवल ऑफ द पैंक्रियाज, अब इसका कोई ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में नहीं है कि किसी ने आर्गन निकाल दिया हो, यूट्रस निकाल दिया हो और उस वक्त उसकी बॉडी का ओवरवेट हो रहा हो जैसे कि होता है, तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। हिस्टेरेक्टॉमी के बाद पैंक्रियाज निकाल दिया गया तो भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर उसे उसी हाल में रहना है कि हाँ कुछ नहीं कर सकते, जब नेचर के साथ नेचर के साथ एक फाइट करके एक ऑर्गन को ही रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर हम सिर्फ ऑर्गन को क्योर कर सकते हैं, अब अगर ऑर्गन ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स, तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स के अंदर यहाँ पर जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं C17 का S5 से, तो ये यहाँ पर ऑटो इम्यून सिस्टम पहले से डेवलप कर रहा है, S1 हम दे ही रहे हैं, तो ये मिलकर के यहाँ पे इसका बीटा सेल्स का प्रोडक्शन मेंटेन करेगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो बीटा सेल का जब प्रोडक्शन मेंटेन होगा तो type 1 डायबिटीज चली जाएगी, क्योर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई मेडिसिन ऐड करने की जरूरत नहीं नजर आ रही है क्योंकि सारे फार्मूले यहाँ पे ऑलरेडी हो गए हैं ऑटो इम्यून सिस्टम में, यहाँ पे देखिए लेते ही हैं हम S1 को, ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अब इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? अब यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड, जी हाँ C17 एंडोक्राइन, ये हमने देखे जी हाँ, देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमने क्यों एंडोक्राइन इसके बाद लिया, अब इसमें कई डिजीज इसमें मर्ज चलेंगी, मतलब अलग से मुझे डिजीज का कोई लेने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, अब हमने यहीं से ले लिया एंडोक्राइन डिजीज, तो अब एंडोक्राइन डिजीज में हमारा यहाँ से आर्गन शुरू हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एंडोक्राइन कंप्लीट करके हम आज इंट्रोड्यूस करा करके यहाँ से क्लास ओवर करते हैं। एंडोक्राइन डिजीज, कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इंक्लूड डायबिटीज मेलिटस, एक्रोमेगैली, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एडिशंस डिजीज, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रेनल ग्लैंड और कोशिंग सिंड्रोम, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स फॉर एक्सटेंड पीरियड्स ऑफ टाइम्स, ग्रेव्स डिजीज, टाइप ऑफ हाइपर थायराइड रिजल्टिंग इन एक्सेसिव थायराइड। अब यहाँ पर ये सारी डिजीज को हम अलग से एक्सप्लेन करें, लेकिन डायबिटीज मेलिटस यहाँ पे कॉज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्रोमेगैली, मैगली, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ रहा है, तो ये हमारे जो C17 है आप पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी काम कर रही है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे भी काम कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है वो अब आगे
स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। और हमें पीसीओडी में भी ये काम कर रही है, अदर हार्मोन्स के अंदर भी काम करें तो उसे किसी तरीके में हम मैनेज करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया है। तो अब यहाँ से हम कल के लिए छोड़ रहे हैं, सॉरी, ओके। तो अब क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप। आप लोग भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और मेडिसिन सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात हुई। और आई होप कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए अब। थैंक यू। ये सेल्फ डिपेंड था, सेल्फ सिस्टम डिपेंड था, और सिस्टम बेस पे ही हम